को लठ मारे, क्या उसका बदला नहीं लिया जाएगा? क्या कदे कोई सोच के बैठ गया, उसका बदला नहीं लिया जाएगा? वो गलतफहमी में कैसे कैसे बदला लिया जाएगा? जो बदला होता ना, वो बदला अलग ही होता है। बदला कैसे, कैसे? पता के नहीं होता कभी भी। अगर लठ मारे कुछ है ना, आगे उसका इनाम खट्टर भी लेगा और जो मारने वाला वो भी लेगा, इनाम पक्का मिलेगा। कदे वो सोच के इस आराम से बैठ जाए क्या, इनाम नहीं मिलेगा, इनाम बराबर दिया जाएगा। भाई मंदिर में आया तो प्रसाद लेके तू भी जाएगा, ये नहीं कि हम प्रसाद लेंगे। वोट के हिसाब से, वोट की चोट, चोट का बदला चोट। वोट की चोट तो इन मंत्रियों को लगेगी और चोट की चोट उनको लगेगी जो मारेंगे। नमस्कार, मैं हूं राहुल आर्य और आज आपको एक ऐसे किसान नेता नहीं कह सकते, किसान साथी से आपको मिलवाएंगे जिन्होंने लगातार किसान आंदोलन की आवाज को, किसानों की आवाज को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से उठाया है। मेरे साथ हैं दीपक फौजी, जो अपने आप को किसान नेता कहलवाना कतई पसंद नहीं करते, बल्कि एक आम किसान कहलवाना अपने आप को पसंद करते हैं, और जिन्होंने लगातार 4 महीने से, जो किसान आंदोलन जब से शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक, लगातार इन्होंने किसान आंदोलन की, किसानों की आवाज को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से लगातार उठाया है। तो दीपक भाई, आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई। दीपक भाई, 4 महीने से किसान आंदोलन कंटिन्यू लगातार चला हुआ है, दिल्ली की सीमाओं पर, दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसान बैठे हुए हैं, कितना समय और लगेगा? सर्दी बीत गई, क्या गर्मी भी बीतेंगी? ऐसा है, जैसे सरकार से 11 दौर की बातचीत हुई थी, तो इसमें सरकार ना तो खुल के ये कह रही कि हम कानून रद्द कर देंगे, ना सरकार खुल के ये बता रही कि इस कानून में अच्छा क्या है या बुरा क्या है। वो सिर्फ ये बोलते कि हमारा भरोसा करो, फिर MSP गारंटी के ऊपर जो मांगा गया, बोले आश्वासन देते हैं कि ठीक है, जो नेताओं की आदत होती है, इसलिए जैसे आपने शुरुआत में कहा था, नेता कहलवाना मेरे को इसलिए पसंद नहीं है, नेता कभी भी खुल के कोई बात नहीं बताएगा, ना ही वो खुल के कोई चीज कहेगा, बोला ठीक है हमारा भरोसा रखो। अब भरोसे की बात यह है, अभी ताजा उदाहरण है, बिल्कुल आज और कल के ही, कैथल मंडी के अंदर जो सरकारी मंडियां थी, उन्होंने गेहूं, जो नया गेहूं अभी निकलने लग रहा है, वो लेने से मना कर दिया, बोले अंबानी और अडानी के साइलो में जाकर बेचो इसको। ठीक है, और ये सरकार बोल रही थी कि ऐसा कुछ नहीं होगा कि अंबानी अडानी का वो आएगा, ऐसे होगा वैसे होगा, लेकिन एक पर्दे के पीछे से इस सरकार को चला रहा है कॉरपोरेट जगत। किसान क्या है, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक बार छोटी सा आह्वान किया था, अंबानी अडानी का बहिष्कार, जियो का बहिष्कार, इनके साइलो का बहिष्कार, इनके मोलों का बहिष्कार, एक छोटा सा वो शुरुआत की थी। अंबानी और अडानी हाईकोर्ट में पहुंच गए थे, अगले ही दिन सरकार का भी वो आ गया था कि बातचीत करेंगे, बातचीत के लिए तैयार हो गई थी सरकार, और 1.5 साल के लिए रद्द करने के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन वो तो ठीक है भाई, किसान नेता भी नहीं मान रहे, कोई नहीं मान रहा, ना ही ये किसान मानेंगे, 1.5 साल के लिए रद्द नहीं, हमने परमानेंट रद्द चाहिए ये तीनों कानून। और परमानेंट रद्द ये सरकार कर नहीं सकती, क्योंकि आदेश कॉरपोरेट का है, ये सरकार को चलाने वाला है कॉरपोरेट। किसानों से बार बार अपील हमने भी की है, खुद भी मिले हैं, कि इनको चोट मारनी है तो जड़ पे चोट मारनी पड़ेगी। जो भी अंबानी अडानी का कोई भी प्रोडक्ट है, इनके पेट्रोल पंप है, जितनी भी चीजें इनकी मोल है, सबको बंद कर दो, पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दो, अगले दिन ही ये सरकार किसानों के द्वार पे खड़ी मिलेगी। पंजाब में कर रखा है जैसे, तो फिर सरकार ने क्या सोचा, जब पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, अभी सभी तकरीबन उठ गया। शुरुआत में सरकार ने बोला खालिस्तानी है, पंजाब वालों को दबाने के लिए तो खालिस्तानी है, ये है वो है, आंदोलन तोड़ने के लिए बहुत कुछ किया इन्होंने। लेकिन क्या है, पंजाब वाले जो जत्थेबंदियां बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से वो चुपचाप अपने बैठे रहे, हरियाणा भी साथ हो गया, राजस्थान का भी कुछ हिस्सा आया, यूपी का भी आया, पश्चिमी यूपी आया उठ के, भाई और जगह से भी थोड़ा थोड़ा करके लोग उठ गए। भाई अंदर खाने, आंदोलन को कमजोर करने के लिए, आंदोलन को तोड़ने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए गए, क्योंकि आप सब जानते हैं। ऐसा है, पहले जैसे पंजाब वाले आए, उनको खालिस्तानी बता दिया, हरियाणा वाले उठे या आतंकवादी हैं, इनकी फंडिंग बाहर से हो रही है, अरे वो बता तो दो कहाँ से फंडिंग, क्या ऐसा हो सकता है पूरे देश में सरकार सिर्फ एक बीजेपी की है और एक किसान, आम किसान बाहर से फंडिंग करवा लेगा और सरकार करने देगी? सबसे बड़ा मजाक तो यही है सरकार का, ये बोल रहे विदेशों से फंडिंग हो रही है। भाई विदेशों से फंडिंग हो रही है, क्या सरकार रोक नहीं सकती? ये सरकार कम और सर्कस ज्यादा चल रहा है इस देश के अंदर, सरकार कम सर्कस ज्यादा, सर्कस ज्यादा चला रहा है इस देश के अंदर। कुछ भी है, कोरोना नाम आया, तबलीगी लेके आए, वहां पर इंटरनेशनल बेइज्जती हुई, अभी फिर कोरोना की वैक्सीन लेके आ गए, जो दवाई लगवा रहा है, जिन डॉक्टरों ने खुद इंजेक्शन लिया है उनको फिर कोरोना हो रहा है। कोरोना से एक बात मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि जब पहली दफा कोरोना आया तो जो CAA का धरना था वो उठाया गया, ये दूसरी बार का जो कोरोना है वो कहीं किसान धरने को उठाने के लिए आया, ये
किसानों के धरने को उठाने के लिए, इसी नाम के लिए तो दोबारा पार्ट टू आया ना कोरोना का। पहले पार्ट में चलता रहा, चार महीने से किसान बैठे, किसी को कोरोना नहीं हुआ। अभी धीरे धीरे जितने भी बीजेपी के मंत्री हैं, नेता हैं, उन सबको कोरोना होता चला जाएगा, क्योंकि इनको एक नकली फिल्म चलानी है भाई। मैंने अपने गाँव में आसपास किसी को कोरोना होता नहीं देखा, ना ही कोरोना से कोई बीमार हुआ। चार महीने से हम बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं, किसी को कोई कोरोना नाम की बीमारी नहीं हुई। ये कोरोना करना कुछ नहीं है, इम्यूनिटी है, ये मौसम बदली होता है इस समय पे। जैसे गेहूं गिलामणी चली हुई निकाल रहे हैं, पना पना हो जाते, नॉर्मल सर्दी जुकाम जो खांसी होती है, जुकाम होता है, हो जाता है, किसी किसी को क्या एलर्जी हो जाती है, ये खांसी जुकाम इसका नाम कोरोना रख दिया। हल्का फुल्का बुखार हो गया, इम्यूनिटी बढ़ाओ, अपनी अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखो, कहीं कोरोना नहीं है। अगर अगर सरकार कोरोना का हवाला देकर ये कहेगी कि भाई कोरोना का खतरा है, इसलिए जो किसान आंदोलन है वो खत्म कर देना चाहिए, तो क्या किसान होने के नाते आप अमल करेंगे इस बात पर? बिल्कुल भी नहीं। सरकार कितना अनाउंसमेंट करवा दे, कुछ भी करवा दे कि कोरोना आ गया, ये धरने छोड़ दो या उठा दो, मतलब भी नहीं है। अभी इन्होंने इसका एक फेज और चलाया अभी नाइट कर्फ्यू के नाम से, दस से पांच। हमारे को तो पहली बात कोरोना ही समझ में नहीं आ रहा है, जहां रैली हो रही है वहां तो जा नहीं रहा है, स्कूल कॉलेजों में जो जा रहा है, बच्चों को पढ़ने नहीं दे रहा, किसानों को शांतिपूर्वक अपना धरना नहीं टेकने दे रहा। हाँ, नेता रैली कर रहे वहां ये नहीं जा रहा है बिल्कुल भी। भाई ये पहले तो सरकार नेताओं की रैलियों से कोरोना का वो डर है? डर नहीं, ये बहुत ज्यादा डरता, खत्म हो जाएगा अगर नेताओं की रैली में कोरोना चलेगा तो मर जाएगा ये वहीं पे, तो फिर वैक्सीन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए नहीं जा रहा ये। कुछ हो सकता है इसकी उम्र भी कम होगी, 18 साल का नहीं है, नहीं तो ये जाता वहां भी। अच्छा। अभी कम उम्र है इसकी, इसलिए नहीं जा पा रहा। तो मैंने शुरुआत में एक बात कही थी, सरकार कम और सर्कस ज्यादा है, इनका सर्कस हर जगह पे मिला है, एक जगह पे नहीं। चाहे वो सीए वाला होता और जितने भी आंदोलन आए, इन्होंने कोई ना कोई बहाना करके ड्रामा करके उनको उठा दिया। ये सरकार के सर्कस को तोड़ने के लिए एक आंदोलन उठा, ये किसान आंदोलन, जो कि अब एक जन क्रांति में परिवर्तित हो चुका है। अब ये किसान आंदोलन भी नहीं है, अब ये है जन क्रांति। अब इस जन क्रांति का फैसला सरकार, पहले जो आंदोलन चल रहे थे उनमें एक ही चेहरा होता था, चाहे 2016 का आरक्षण आंदोलन था, उसमें एक चेहरा बना दिया सरकार ने, जिसको बोले उसको चेहरा बना दिया लोगों ने। हाँ भाई, यशपाल तुम्हारा भला करेगा, वो यशपाल पूरे हरियाणा को बेच के जाता रहा, यशपाल मलिक पूरे हरियाणा को बेच के जाता रहा, पूरे युवाओं की भावनाओं को बेच के, पूरे हरियाणा की भावनाओं को, और जाता रहा। सरकार ने फिर आंदोलन के अंदर ड्रामे चलाए, सरदारों को खालिस्तानी, इनको पाकिस्तानी, आतंकवादी, चाइनीज, पता नहीं क्या क्या बोल दिया, किसी की शक्ल भी नहीं मिलती हरियाणा में तो चाइना वालों से। तो अब तो ऐसा खतरा नहीं है? अभी ऐसा खतरा है, बिल्कुल है। अभी सरकार ऐसा खतरा है, वो किससे है? पहले आपने बताया कि यशपाल मलिक से खतरा था, अब किससे खतरा है? अभी बताते हैं। वो सरकार प्रमोटेड चैनल होते हैं, सरकार की ये सरकार जो बनी है ये मीडिया और सोशल मीडिया से ही बनी थी, ठीक है, और मीडिया और सोशल मीडिया पर प्रचार करके ही ये लोगों दिमाग में चेहर भरते हैं, चाहे वो जातिवाद का ले लो, धर्मवाद का ले लो, ये दो ही तरीके हैं, मीडिया और सोशल मीडिया, जिनसे सरकार बनी। अभी ये मीडिया पर प्रचारित करना चाह रहे थे, पहले तो जैसे 40 में से अल्जाम लगाने शुरू किए, फलाना भी क्या हुआ है, दगड़ा भी क्या हुआ है, वो भी नहीं चल पाए, क्योंकि अभी तक सरकार को हकीकत में पता ही नहीं है कि आंदोलन चल कैसे रहा। नंबर एक चीज, आंदोलन कुदरती उठा हुआ है, इसमें कोई एक चेहरा बन भी नहीं सकता, जो चेहरा बनने की कोशिश करेगा ना, ये जनता जो बैठी है ना, कपड़े फाड़ कर रोड के ऊपर लठ मार देगी। अगर किसी ने मन में आती है, बहुतों के मन में आती है, आप कोई किस, 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 किस के मन में आती है, बहुत के मन में आ जाती है कि भाई तू एक चेहरा हो गया, दूसरे को चेहरा मत आने दे। उदाहरण के तौर पर, जैसे एक चेहरा बना दिया, लोगों ने भी बोल दिया भाई अपना राकेश टिकैत बन गया, कुरनाम चढ़ी हो गया, राज्यवाल हो गया पंजाब की तरफ से, भाई ये आंदोलन चला रहे हैं। तो इन लोगों को लास्ट में अपनी सफाई में कहना पड़ा कि हम कोई आंदोलन नहीं चला रहे, आंदोलन ये जनता चला रही है, और हकीकत यही है, आंदोलन जनता ही चला रही है। ये 40 एक मतलब वो चेहरा बनाए थे भाई, ये कोई फैसला लेंगे, सभी मिलकर लेंगे, उसको मानना चाहेगा, अभी तक वही चल रहा है, वो चलता रहेगा। इन 40 में से भी अगर किसी ने ये सोचा कि भाई तू नेता के उसमें चल जाए या किसी उसमें चल जाए ना, वो अगले दिन ही मिलेगा भी नहीं, आसपास भी नहीं मिलेगा। तो क्या कोई कोशिश कर रहा है ऐसी? कोशिश करेगा, हाथों हाथ उसका रिजल्ट आएगा। क्या कोई कोशिश कर रहा है? कोशिश करेगा ना, मैंने बताया ना, कोशिश करेगा भी ना। तो अभी अब तक किसी ने कोशिश नहीं की, अभी तक की नहीं, मानना नहीं जाए, मतलब कोशिश करने की मन में भी आती है तो उनको डर है सिर्फ जनता से। वो सोच रहे हैं कि अभी कैसे भी करके, अब ये सरकार भी चाह रही है, सभी सोच रहे होंगे भाई कहीं ना कहीं इस आंदोलन की कोई तो एक कमजोर कड़ी होनी चाहिए। भाई उन्होंने 39 को 11 बार बुला के देखा, उनको तोड़ने की कोशिश भी की गई, अलग अलग से बुला के बातचीत भी की गई, भाई कुछ टूटे भी होंगे या नहीं टूटे होंगे वो तो
हम तो ये चाह रहे थे जो सरकार से बातचीत होती है 40 जथेबंदियों की, उसका लाइव प्रसारण चलना चाहिए ताकि लोगों को पता लग जाए कैसे बातचीत हो रही है, क्या बातचीत हो रही है। आगे भी अगर कोई बातचीत होती है तो उसका लाइव प्रसारण चलना चाहिए। हमारी डिमांड शुरुआत से ये थी कि सरकार कोई भी बात करना चाहती किसी भी एक बॉर्डर पे आके, गाजीपुर हो, टिकरी हो, सिंगू बॉर्डर हो, बॉर्डर के ऊपर आके सभी किसानों के बीच में, क्योंकि सरकार को पता ही नहीं बातचीत किससे करनी है। ये 40 एक नाम दे रखे हैं, ये करता धरता नहीं है इस आंदोलन के, आंदोलन कुदरती उठा है। ये 40 नाम इसलिए दिए थे क्योंकि बातचीत कुदरती, कुदरती आप कैसे मानते हैं? कुदरती ऐसे मानते हैं जैसे ये आंदोलन जब शुरू हुआ था, अब मैं इस आंदोलन में शुरुआत से ही लगा हुआ था, खुद पिपली कांड से भी पहले से लगा हुआ था। मेरे को तकरीबन 1.5 साल हो गया किसानों की आवाज उठाते उठाते। हम घूमे भी थे, जो जन जागृति अभियान चलाया था उसमें घूमे थे हम, गांव गांव गए थे, हर जगह गए थे। हमारे मन में डर था, शक था, भाई लोग नहीं आएंगे, लोग नहीं आएंगे। पता नहीं कुदरत की देन कैसे एक सोशल मीडिया के ऊपर, भाई जो सोशल मीडिया युवा चलाते हैं उन भाइयों ने कैसे एक मतलब इतना बड़ा वो चला दिया, मुहिम चला दी कि इतना बड़ा जन सैलाब आ गया जो रोके नहीं रुका, पंजाब से उठा, हरियाणा से होता और जाके दिल्ली बॉर्डर पे बैठ गया। ये कुदरती लोगों की भावनाएं ऐसी जुड़ गई इस आंदोलन के साथ। भाई तकरीबन 100% लोग शाम को रोटी खाते, सुबह रोटी खाते, तकरीबन पूरी दुनिया में शायद ही कोई एक आध ऐसा होगा जो नहीं खाता होगा, अनाज नहीं खाता होगा, नहीं तो दुनिया अनाज खाती है, आप भी खाते हो। एक ऐसी भावना जोड़ी गई लोगों की, जो अनाज खाता है, जो किसान का उपकार मानता है, वो इस आंदोलन से जुड़े, तो लोग जुड़ते चले गए, भावनात्मक रूप से ज्यादा जुड़ गए। अगर इस आंदोलन में फिर इस सरकार को तोड़ने की यही दिक्कत आ रही इस आंदोलन में कि इसको तोड़ा कैसे जाए, एक एक करके चेहरा बना देती है, कभी ये इस आंदोलन का हो, अभी जैसे टिकैत का बता, टिकैत एक चेहरा है, कुछ मीडिया वालों ने ऐसे गलत प्रचारित किया है कि भाई आप टिकैत को आंदोलन का चेहरा नहीं मानते। एक चेहरा टिकैत नहीं है, एक चेहरा नहीं है ना ही। 26 तारीख के बाद वो रोए लोगों की, क्या 26 तारीख को जो सरकार ने चलाया था, हम तो तब भी वही थे, बॉर्डर पे ही थे, टिकरी बॉर्डर पे। लोग ये बोल रहे हैं जो उठ के गए थे, भाई लोग बॉर्डर छोड़कर चले गए थे, ऐसा कुछ नहीं था, ये मीडिया का फैलाया हुआ एक चाल था। भाई कोई एक चेहरा तो बनाना ही पड़ता है, जो ये मीडिया सोच का चेहरा बना रही है ना, ये मीडिया की बहुत बड़ी गलतफहमी है। 26 के बाद राकेश टिकैत को मीडिया ने चेहरा बनाया, चेहरा बनाया था, और उसी चेहरे को अभी भी प्रमोट कर रही है। कल खुद राकेश टिकैत का एक इंटरव्यू देखा था मैंने, वही राकेश टिकैत जब खुद बोल रहा है कि ना मैं अकेला चेहरा हूँ, ना ही 40 चेहरा है, इस आंदोलन का हर आदमी चेहरा है। उसको भी पता है आंदोलन कहाँ से उठा हुआ, कहाँ से चला, वो बच्चे तो वो है नहीं जो 40 बताए, 40 40 बुजुर्ग है। देखिए कोई भी आंदोलन हो या कोई भी मुहिम हो, उसके अंदर कोई ना कोई नेता तो होता ही है, तो इस आंदोलन के अंदर आप किसको नेता मानते हैं? ये 40 जो दे रखे है ना आंदोलन के लिए है, ये आंदोलन के लिए नेता बना रखे हैं, पर्सनल राजनीति नहीं करेंगे, ये भी इनको बता रखा है। भाई अगर पर्सनल आपके मन में कोई आकांक्षा है, आपको चुनाव भी लड़ना है ना, पहले तीनों कानून रद्द होंगे, MSP गारंटी कानून बनेगा, उसके बाद आप कहीं कुछ भी करना आपकी पूरी सपोर्ट होगी। अगर उसके बीच में किसी ने कुछ भी करने की सोची, ये पूरी जनता की, यानी कि ये कल्ला दीपक ही बोल रहा है सोशल मीडिया पे, सभी के मन की आवाज है ये, अगर बीच में कुछ करने की कोशिश की ना, तो उसका रिजल्ट हाथों हाथ मिलेगा। तो दीपक भाई आपने राजनीति की बात की, देखिए हरियाणा के अंदर 2 बाय इलेक्शन होने हैं, एक कालका और दूसरा एलनाबाद। क्या जो संयुक्त मोर्चा है, क्या वो अपने कैंडिडेट कालका और एलनाबाद क्या वो उतारने जा रहा है? नहीं उतारेगा, अगर उतारेगा तो फिर ये जनता ही फैसला करतेगी। तो क्या आपके लिहाज से उतारने चाहिए नहीं उतारने चाहिए? नहीं उतारने चाहिए, जब तक नहीं उतारने चाहिए जब तक ये लड़ाई नहीं जीत जाते हम। अगर ये लड़ाई जीत जाते हैं तो, लड़ाई जीत जाते हैं तो अशोक से उतारो, बिल्कुल पूरा सपोर्ट देंगे, फुल सपोर्ट, हम खुद प्रचार करेंगे। अगर लड़ाई नहीं जीतते और बीच में ये उतार रहे हैं, तो इनके जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा किसी के मन में होगी ना, वो सामने आ जाएगी। ये उनको चाहे सुझाव लगा लो, कुछ भी लगा लो, पहले ही बता दिया है, अगर मन में कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है ना, दबा के ही बैठे रहना। अगर लड़ाई जीतने से पहले दिखा दिया ना, तो चेहरा सामने आ जाएगा, हाँ भाई ये तो राजनीति करना चाह रहे, उसको उसी टाइम साइड कर दिया जाए। तो ये मानिए कि अगर बाय इलेक्शन के अंदर संयुक्त मोर्चा अपना कैंडिडेट नहीं उतारता, तो किसको सपोर्ट करेगा? हम सिर्फ सपोर्ट किसी एक कांग्रेस को नहीं, ना किसी कांग्रेस को, ना INL को, ना बीजेपी को, ना JJP को, किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। हमारा सीधा सपोर्ट ये है, भाई हमने 3 कानून रद्द चाहिए और MSP गारंटी कानून चाहिए है, और इस सरकार ने 400 के करीब किसान शहीद हो गए हैं, झूठे मुंह दो ये शब्द ये भी नहीं बोले कि हमें बहुत अफसोस है 400 के करीब किसान शहीद हो गए। भाई इनको वोट नहीं देना,
और किसी पार्टी का प्रचार नहीं करना। देखिए अब है चौटाला ने एज ए एमएलए अपना इस्तीफा दिया और उसके बाद वो किसानों के लिए कह रहे हैं कि मैं किसानों के लिए मैंने अपना इस्तीफा दिया है, तो क्या मानते हैं किसान उनको सपोर्ट करेंगे? देखो अगर पर्सनल आप पूछना चाहो कि भाई किसको सपोर्ट करना है, जी जैसे उसको बोलते हैं भाई अब जबान का धनी है, उसने बोला था अगर 26 तारीख तक किसान बिल रद्द नहीं हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो उसने अपनी जुबान को कायम रखा। उसके बाद उसने दो हॉस्पिटल खोल दिए, एक टिकरी पे एक संगू पे, 1000 के करीब उसने वाटर कूलर दिए हैं, ये कूलर दिए हैं बॉर्डरों पे, ये भी दिए हैं। वो अपनी जो एक राजनीतिक पार्टी की तरफ से लगा हुआ है, कभी उस बंदे ने ये नहीं बोला कि मेरे को स्टेज पर बुलाओ इसको, इसलिए आज को देखते हुए तो उसको मदद करनी चाहिए। मतलब बाय इलेक्शन के अंदर अब चौटाला को मदद करनी चाहिए जितनी मदद वो कर रहा है, नहीं तो और भी राजनीतिक और भी नेता है भाई, वो क्यों आए भी हैं, आए बहुत नेता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई नहीं आया, खूब आए हैं, लेकिन वो इतना खुल के नहीं ना तो बोल पाए ना ही कर पाए जितना खुल के उस आदमी ने कर दिया, इतना खुल के कोई नहीं कर पाया। देखिए अब है चौटाला ने इस्तीफा दिया, तो क्या आप उम्मीद लगाए बैठे थे कांग्रेस के विधायकों से कि वो भी इस्तीफा देंगे? उम्मीद तो पूरी थी और इसी इस्तीफा नहीं दिया तो क्या आपको लगता है निराशा हाथ लगी? नहीं निराशा बिल्कुल हाथ नहीं लगी, निराशा किसी कीमत पर, लेकिन वो चेहरे पहचान में आ गए कि भाई जो बोलते हम किसान के लिए ये कर देंगे, वो चेहरा पहचान में आ जाता है कहीं ना कहीं, भाई ये क्या कर सकता क्या नहीं कर सकता किसान के लिए। वो जो पहले होता था भाई अनपढ़ होते थे, उनको किसी भी तरह से बहका लेते थे, आजकल वो जमाना नहीं है, आजकल का युवा देखता भी है सोचता भी और बोलता भी है, तुरंत बोल देते हैं। मेरे को ज्यादा तो पता नहीं लेकिन मैं तो तुरंत बोल देता हूँ, चाहे कोई भी हो, इसमें नफा नुकसान क्या होना, इसमें हम अपनी लड़ाई लड़े हुए हैं, जो हमारे साथ है हम उसके साथ है, जो बोलना है खुल के बोलो। ये नहीं भाई जो हरियाणा में एक देशी में कहा होता सुसु मत करो सुसरी बोल दो डायरेक्ट, उससे क्या पता लग जाता आप क्या कहना चाह रहे हो क्या आपके मन में। अब कोई किसी से पूछे भाई क्या तेरे को इलेक्शन लड़ना है, नहीं यार बोला फिर लिख के दे दे, कल का एक इंटरव्यू देख रहा था हमारा राकेश टिकैत का, भाई लिख के दे दे मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, बोला ना नहीं ये चीज लिख के भी नहीं दी जाती, अरे खुल के बोल दे नहीं करनी मेरे को राजनीति। तो दीपक भाई क्या किसी किसान नेता को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और मैं ये कहता हूँ 40-40 को चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन पहले अपनी लड़ाई जीतो भाई, हम जुड़े हैं इस लड़ाई के साथ, पहले ये 3 कानून रद्द, MSP गारंटी कानून, 40-40 चुनाव लड़ो, 40-40 की हम जय भी बोल लेंगे, इनके वोट भी मांगेंगे घर घर जाके, लेकिन पहले लड़ाई जीतो। ठीक है, पहले लड़ाई जीतो। देखिए सरकार की ओर से, सरकार के नेताओं की ओर से बार बार साफ किया गया है कि कानून तो वापस होंगे नहीं, तो कानून वापस नहीं होंगे तो किसान कब तक लड़ाई लड़ेगा? व्यवस्था परिवर्तन तक। सत्ता परिवर्तन बिल्कुल, और ये लड़ाई चलेगी, और सत्ता परिवर्तन की लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं होती है, वो लंबी लड़ाई हो जाती है, अब ये लड़ाई चलेगी सत्ता परिवर्तन तक। अगर अगर सरकार बिल वापस नहीं लेती तो सत्ता परिवर्तन करके फिर बिलों को वापस करवाया जाएगा? परिवर्तन के बाद होता है व्यवस्था परिवर्तन। परिवर्तन दो होते हैं, एक होता सत्ता परिवर्तन, एक होता व्यवस्था परिवर्तन, फिर दोनों करने पड़ेंगे, सत्ता भी व्यवस्था भी। व्यवस्था परिवर्तन भी। कैसी व्यवस्था चाहिए? व्यवस्था वो चाहिए, किसी मंत्री ने कानून नहीं बनाए, कानून बनाए ये IAS और IPS जो हमारे भाई होते हैं ना, इनके बनाए हुए कानून है ये। ये कानून बना के 9 उद्योगपतियों को दिए हैं, नहीं तो ये साइलो तो कई साल पहले बन गए, कानून तो अभी आए। तो इसका मतलब पहले से प्री प्लान था सब कुछ प्री प्लान चला हुआ है। ये तीनों कानून जो आए हैं ये बहुत पहले से साजिश है, एक बार कांग्रेस के टाइम में भी ये आए थे, लेकिन कांग्रेस को पता था अगर ये कानून तुम लागू तो कर दोगे, लेकिन आगे जो लड़ाई चलेगी उसको कौन ओटेगा। लेकिन इसने क्या किया, जो प्रधानमंत्री है हमारा, इसने देखा भाई गुजरों ने आंदोलन किया तूने वो तोड़ दिया, जाटों ने आंदोलन किया तूने वो तोड़ दिया, सीए का आंदोलन हुआ तूने वो तोड़ दिया, रेलवे तूने बेच दिया, बैंक तूने बेच दिए, सरकारी कंपनियां तूने बेच दी, कोई नहीं बोल रहा, तो तू इनको भी नहीं बोलने देगा, किसानों को भी नहीं बोलने देगा, ले आना तू कानून। ये एक घमंड में आ गया था, जिसको बोलते ना घमंड, एक्स्ट्रा घमंड आ गया था इसके अंदर, ये वो 3 कानून लेके आ गया, मैं देखता हूँ कौन वापिस करवा देगा। अब इसके वो गले की फांस बन गए, तीनों कानून गले की फांस बन गए, वापिस करता है उद्योगपति अपना पैसा वापिस लेंगे, लाखों करोड़ रुपया लगा रखा है उन्होंने इसका चेहरा चमकाने के लिए, खाली चेहरा चमकाने के लिए 11 चैनल अडानी ने ले लिए, 21 चैनल अंबानी ने खरीद लिए, पूरा दिन प्रचार करो मोदी मोदी, घर घर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, पूरे दिन इसका प्रचार चलता रहा है।
वो टेलीविजन ने इतना दिमाग खराब कर दिया, हमने तो टीवी देखना पहले से ही बंद कर रखा था, ठीक है हमने कभी देखा भी नहीं, लेकिन बता रहे हैं कि ऐसा चला इसका पूरा दिन, इसका प्रचार चलता रहा, किसी दूसरे का प्रचार चलते वो चैनल ही नहीं मिलता अगले दिन, कोई सरकार से सवाल करता है वो चैनल नहीं मिलता, ढूंढे से भी कहीं ढूंढ के दिखा देना। नॉर्मल एक सोशल मीडिया फेसबुक एक छोटी सी चीज होती है, फेसबुक पर कोई सरकार से सवाल कर रहा है ज्यादा नहीं, महीने के अंदर अंदर उसकी आईडी साफ मिलती है, आईडी ढूंढता रह जाता आदमी। अभी इन्होंने मेरे पेज के ऊपर किया था, एक छोटा सा पेज बनाया था हमने दीपक फौजी के नाम से, जिसपे मैं सवाल कर लेता था, पहले चलता रहा सब चलता रहा, लेकिन जब इन्होंने देखा कि नहीं ज्यादा लगने लगा तो इन्होंने उस पर बाउंडेशन लगा दी, चेक करवाया, बोले भाई मेरे को भी नहीं पता बाउंडेशन किस टाइप की लगा रखी है, चाह कर भी बाउंडेशन नहीं खुलवा पा रहा मैं उसकी, चाह कर मतलब सोशल मीडिया से आवाज उठाते हैं तो वहां भी रोका जाता है, रोका नहीं जाता, बुरे तरीके से रोका जाता है। कल आज 3 दिन के अंदर अंदर 5-6 आइडिया वो उड़ी हैं जो लगातार सरकार से सवाल कर रहे थे। एक अपने भाई साहब हैं जो हैं हरियाणा के, रहते यूपी में है, जगमाल चहल है, अभी अगला नंबर में बता रहा हूँ, देखना 5-10 दिन में महीने में उनकी आईडी उड़ने वाली। अच्छा, पहले से पता है, पहले से पता बता दिया उनको, जैसे कृष्ण चंद्र दैया थे बहुत अच्छे इतिहासकार, आप पुराना इतिहास पूछना उनसे, काफी बुजुर्ग आदमी है, वो खुद बोले मैं हैरान हूँ मेरी आईडी कहाँ गई, तेरी आईडी कहीं नहीं गई, सरकार से दोबारा सवाल करेगा ये आईडी भी जाएगी, ये होता है। तो सरकार से कोई भी सवाल लगातार कर दो, या तो उसकी आईडी उड़ाएंगे नहीं तो उसके ऊपर ऐसी बाउंडेशन लगा देंगे वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो सीधी सी बात है, हमने सरकार से कोई मतलब नहीं है, सरकार से हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है कि सरकार से हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी है, भाई मोदी हमारे घर पे आया हमारा कुछ उठा ले गया, लेकिन कम से कम इस गरीब को, मजदूर को, इस किसान को जीने दो। हाथ जोड़कर दे रिक्वेस्ट है कि ये जो 3 कानून आने तो रद्द करने ही पड़ेंगे, ये रद्द नहीं करने पड़ेंगे तो तेरे को अपने घर जाना पड़ेगा, किसान तो आएंगे नहीं। अगर तू ये सोच रहा है तू किसी को खरीद लेगा, नेता नहीं है ये, किसान है ये, और इसलिए मैं इस नेता शब्द से नफरत करता हूँ। आज किसी को नेता बना दो, मेरे को बना दो, किसी और को बना दो, कल ही वो बिका मिलेगा, 10 करोड़ में 20 करोड़ में उसकी कोई ना कोई कीमत फिक्स होती है, वो बिकेगा लास्ट में। और इतना इसलिए मैं अच्छा मानता हूँ, जब तक हमें किसान बनकर लड़ाई लड़ रहे हैं ना तो इस लड़ाई को हम जीतेंगे, अगर नेता बनकर लड़ाई लड़ ली ना तो हम इस लड़ाई को उधर ही हार जाएंगे। तो सरकार किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए जो आप जैसे युवा भाई हैं जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से अपनी आवाज उठाते हैं उनको तोड़ने के लिए लालच वगैरह भी देती है? हाँ, पूरा लालच देती है, जब अगर उनको ये लगता है कि इसकी ठीक ठाक है, इसकी आवाज ठीक ठाक जा रही है, लालच भी देती है, एक छुपे शब्दों में धमकी भी मिलती है, जैसे अभी मेरे को 2-3 बार मिली है। आपको धमकी मिली, लालच भी दिया? लालच पहले फिर धमकी, धमकी के बाद फिर लालच, लालच धमकी फिर लालच। हाँ, धमकी से देखा, मार मैं बच्चा नहीं हूँ छोटा, 17 साल मैंने फौज में भी नौकरी, दाम दाम दंड भेद हर तरीका अपनाते हैं, जब कुछ नहीं अपनाया उठा के मेरे पेज के फाउंडेशन लगा दी, ले उठा ले आवाज, तो सोशल मीडिया पर आवाज उठानी हमने तो फिर कोई नया पेज देखेंगे, आप जैसे जो भाई है इंटरव्यू ले लेते हैं हम तो उनके जरिए अपनी आवाज पहुंचाएंगे, अपनी आवाज पक्का पहुंचाएंगे, हमें मीडिया पे कोई भरोसा। ये आवाज उठाने के कारण कितने मुकदमे आपको भुगतने पड़े? ये 3-4 मुकदमे तो भुगत लिए हैं अभी, और अभी अभी जो किसान आंदोलन के दौरान 4 महीने से 3 मुकदमे आपने भुगते हैं? हाँ, जेल भी जाके आ लिया मैं, मुकदमे भुगत रहा हूँ, वो कुछ नहीं है, हिम्मत नहीं आ रही, वो दुगना जोश बनता है मेरे को तो। अभी ये फिर केस लगा रहे हैं, फिर एक मेरा केस आने वाला है, अब की बार ये और बड़ा लेके आएंगे, जो अभी तक छोटा सा केस लेके आए थे जिसमें 14 साल की सजा और 14 दिन का रिमांड मांगा था, अब ये देख लो उससे बड़ा केस क्या लेके आएंगे, फांसी मांग लेंगे मेरी ये, और इससे ज्यादा तो क्या मांगेंगे, मैं ये कह रहा हूँ चाहिए फांसी मांग लो। किसानों के लिए हर चीज बर्दाश्त करने के लिए तैयार? मैं बिल्कुल तैयार हूँ, माइंडली तौर पर भी, शारीरिक तौर पर भी, लेकिन ये 3 कानून रद्द कर दो, एमएसपी गारंटी कानून दे दो, उसके बाद चाहिए मुकदमे लगाना, फांसी चढ़ाना, वो लड़ाई फिर चलती रहेगी। तो दीपक भाई देखिए, किसान जो है वो बीजेपी के नेताओं का जो कार्यक्रम होते हैं उनका विरोध करते हैं, जो निजी कार्यक्रम होते हैं क्या उनका विरोध भी जायज मानते हैं आप? ऐसा है, निजी कार्यक्रम इनका कोई भी नहीं होता, जो अभी आप बोल रहे हो, जैसे मुख्यमंत्री आया था जिस दिन हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ था रोहतक में, शनिवार को कोई 17वीं कोई 13वीं नहीं मनाता, ये खुद अपने आप को हिंदुओं का बहुत बड़ा लीडर बोलते हैं कि हम हिंदू धर्म बचाने आए हैं, और हिंदू धर्म में कहीं भी नहीं लिखा शनिवार को 17वीं या 13वीं होती है। दूसरी चीज, जिस एमपी के बाप के ये 17वीं मनाने के लिए आया था वो एमपी तो रोहतक का है, रोहतक वो नहीं रहता, उसका बाप दादा कोई रहता नहीं, वो जब से एमपी बने कोई रोहतक वाला मेरे को बता दे उसने रोहतक में देखा हो तो उस एमपी को, मेरे को तो आज तक मैं शकल से नहीं बता सकता मेरे रोहतक का एमपी कौन है, मेरे को मेरे रोहतक के एमपी का नहीं पता कौन है, कभी देखा हो तो बताऊं।
उससे पहले जितने एमपी बने सबको बता सकता हूँ, हाँ भाई वो देखे हैं कहीं ना कहीं तो देखे हैं। हाँ, बैठना उन्होंने दिल्ली शुरू किया था। तो इनने क्या है, इन्होंने तो रोहतक पे कई बार साजिश की है। क्या एक सुनारिया जेल ही थी जब ये राम रहीम को लेके आए, उससे पहले अम्बाला जेल, हिसार जेल, बोझ जेल पड़ती थी, तब भी इन्होंने रोहतक जलवाने की तैयारी की थी। 2016 में भी इन्होंने रोहतक को जलवाया है। अभी भी इस आंदोलन के दौरान भी चाह रहे हैं कि रोहतक में आग लगे। और मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रही कि ये प्रशासन मदद क्यों कर रहा है इनकी। खुलेआम बोल रहा हूं, प्रशासन मदद करता है, कौन सा डर मार रहा है भाई इनको? जो एसपी डीएसपी जो होते हैं उनको क्या डर मार रहा है सरकार का? अरे ये तो 5 साल के लिए बनते हैं, तुम तो परमानेंट हो, इनको ठोक के जवाब दो। आप क्यों रोहतक को जलवाना चाहते हो? क्यों बार बार आप रोहतक में ऐसा काम कर रहे हो कि रोहतक में आपस में लठ बचे या वो बुजुर्गों को लठ मारे? क्या उसका बदला नहीं लिया जाएगा? क्या कदे कोई सोच के बैठ गया उसका बदला नहीं लिया जाएगा? वो गलत फहमी में कैसे कैसे बदला लिया जाएगा? जो बदला होता ना बदला अलग ही होता है। बदला कैसे पता के नहीं होता कभी भी। अगर लठ मारे कुछ है ना, आगे उसका इनाम खट्टर भी लेगा और जो मारने वाला वो भी लेगा, इनाम पक्का मिलेगा। कदे वो सोच के इस आराम से बैठ जाए कि इनाम नहीं मिलेगा, इनाम बराबर दिया जाएगा भाई। मंदिर में आया तो प्रसाद लेगा, तू भी जाएगा। ये नहीं कि हम प्रसाद लेंगे। वोट के हिसाब से, वोट की चोट, चोट का बदला चोट। वोट की चोट तो इन मंत्रियों को लगेगी और चोट की चोट उनको लगेगी जो मारेंगे। सीधी बात है, कोई घुमा के बात नहीं कहते हम। सीधी बात ये है, वोट की चोट नेता को लगती है और चोट की चोट उसको लगती है जो चोट मारता है, क्यों वो नेता नहीं है। उनको बार बार हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर ली, तुम भी हमारे हो, तुम भी हमारे हो, समझ जाओ, समझ जाओ, समझ जाओ। नहीं समझ मारे उनको। वो तो इस बैम में है कि बीजेपी शायद जिंदगी भर देश के ऊपर राज करेगी। ये जिस तरीके से भी आते हैं, चाहे ईवीएम के तरीके से आते हैं, चाहे वोट खरीद के आते हैं, इनका वो हर तरीका तोड़ा जाएगा आपकी बार चुनाव में। हर वो तरीका जिस तरीके को अपना के आते हैं ना, हर उस तरीके को तोड़ा जाएगा। दीपक भाई आखिरी सवाल करता हूँ। देखिए बंगाल चुनाव है, 2 मई को रिजल्ट आने हैं। आप ये लगाइए कि 2 मई को अगर बीजेपी हारती है तो किसान आंदोलन पर क्या फर्क पड़ता है, और अगर बीजेपी जीतती है तो किसान आंदोलन पर क्या फर्क पड़ता है? ऐसा है, बीजेपी हारो या जीतो किसान आंदोलन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बंगाल के हैं 150-200 आदमी होंगे बंगाल के, लेकिन बंगाल का कोई और आदमी उठ के नहीं आया इस आंदोलन में। जो हमारे को फर्क पड़ेगा बंगाल से कि भाई वहां पर तो इनकी गवर्नमेंट आ गई, क्या फर्क पड़ेगा भाई हमारे को? सुनाओ जीतो हारो, हमारे को फर्क जहां पे पड़ना, हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, जहां से अब ये लगातार बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, चोट इनको वहां मारी जाएगी वोट की। कुछ लोग बोलते हैं उससे क्या फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा तो सरकार इतना जोर क्यों लगा रही है आंदोलन तोड़ने पे? अगर यहाँ पे फर्क पड़ गया ना, बाकी स्टेटों में अपने आप फर्क पड़ जाएगा। इनकी काट मिल जाएगी लोगों को कि इनको काटना कैसे है, और वो लोगों की आंखें हो जाएंगी अभी, और वो आंखें करके छोड़ेंगे। तो चलिए, मैंने कहा था कि आखिरी सवाल है, एक सवाल और करता हूँ। देखिए रवि आजाद किसान नेता है और उन पर मुकदमा दायर हुआ, उनकी जो गिरफ्तारी हुई और उनकी गिरफ्तारी के बाद उनकी रिहाई की मांग जो है वो किसी बड़े नेता की ओर से नहीं आई, इसको क्या मानते हैं आप? क्या मतभेद माना जाए कि किसान आंदोलन के जो नेता हैं उनके फैसलों के अंदर या उनके आपसी मतभेद हैं? पता है क्या है, नेता आपने फिर नेता शब्द लगा दिया कि रवि आजाद भी एक नेता है और वो भी नेता है। नेताओं का तो दिमाग ही दूसरा होता है। रवि आजाद के लिए तो आवाज मैंने भी उठाई थी और पूरे उससे उठाई थी, कट करे में खड़ा मैंने किसान नेताओं को भी खड़ा कर दिया था कि वो आवाज क्यों नहीं उठा रहे, खुलकर नाम क्यों आवाज क्यों नहीं उठाई गई, खुलकर मैंने नाम भी लिया था कि भी नए गुरुनाम चढ़ू ने आवाज उठाई, ना राकेश टिकैत ने आवाज उठाई। और वही रवि आजाद बाहर निकलते ही बोलता है कि राकेश टिकैत ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तो खुद राजनीति करना चाह रहा है अब, मैं तो खुद बोल रहा हूँ रवि आजाद को, भाई तू खुद ही राजनीति करना चाह रहा है कि भाई तेरी जिसने आवाज उठाई उसके लिए तू कुछ बोलिया नहीं, क्यों? क्योंकि उसने सोच लिया तेरे को तो जगह बनानी है तो तेरे को ऊपर वाला चाहिए, मेरे को तो कोई जगह नहीं बनानी भाई। आंदोलन कल ही जीत जाएंगे हम, फिर कौन पूछेगा कौन से किसान नेता? इसलिए मैं नेता शब्द नहीं लगने देता, देश में मुद्दे और भी बहुत है, और भी मुद्दे बहुत है। राजनीति हो रही है, आपसी मतभेद, आपसी मतभेद तो होंगे, आपसी मतभेद नेताओं के, आपसी मतभेद बता रहे। अभी कितलान टोल पे कुछ हुआ है, कोई हादसा हुआ है, कुछ माइक तोड़ने का ऐसा कुछ हुआ है। अगर पहली बात तो उसने माइक को तोड़ा है तो वीडियो मैंने भी देखा है, माइक को उसने ऐसे हाथ मारा है, तो वो बेइज्जती उसकी कर रहा है जिसने उसको बुलाया है। उसको उधर के उधर ही सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए थी कि मेरे को जल्दबाजी में गुस्से में मेरे से गलती होगी। अगर वो माफी नहीं मांगता है तो फिर मैं तो मानता नहीं, वो राजनीति छोड़ो कुछ भी करने के लायक नहीं है, सीधी बात है ये। अगर आपसे कहीं पर गलती होती है तो उसकी वहीं पर माफी मांगो। तो चलिए किसान भाइयों के लिए आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे?
आखिरी संदेश किसानों के लिए यही है, आराम से डटे रहो, अड़े रहो, लड़ाई हम जीत चुके हैं। कोई ये सोचता हो कि अब आप बोलोगे लड़ाई कहाँ जीत गए, कानून तुरंत नहीं हुए, लड़ाई हम यहाँ जीत चुके हैं। जैसे सरकार होपलेस होकर फ्रस्ट्रेशन में आके फैसले ले रही है, बाहर तरीका अपना रही, कभी कुछ कर रही, कभी कुछ कर रही है, ये फ्रस्ट्रेशन ही हमारी पहली जीत है। क्योंकि आज तक इतना फ्रस्ट्रेशन में सरकार को देखा नहीं था, इस तानाशाह को भी नहीं देखा था। विचलित है सरकार, विचलित नहीं, इतने बुरे तरीके से विचलित कि इनकी आपस में फूट पड़ने लग जाए, आपसी फूट तक शुरू हो जाए, इतनी विचलित कभी सरकार को नहीं देखा गया था। सरकार की आपसी फूट, जी हाँ, वो फूट भी दिखाई दे जाएगी जल्दी लोगों को, जो इनके अंदर फूट हो चुकी है, वो फूट इस आंदोलन के कारण है। और मैं नहीं मानता किसी को नेता, जो भाई रोड के ऊपर बैठे हुए हैं लगातार 4 महीने से बैठे हुए, जो बुजुर्ग बच्चे नौजवान साथी, ये संदेश डटे रहे, डटे रहे, हम जीतेंगे, 100% जीत कर ही वापिस आएंगे, इसमें कोई सकाली बात ही नहीं है। चाहे कितना ही लंबा आंदोलन चल जाए, चाहे 2024 तक चल जाए, जीत कर आएंगे और व्यवस्था परिवर्तन करके भी आएंगे। तो चलिए, दीपक भाई का बोलना है, कहना है कि सत्ता परिवर्तन भी होगा, व्यवस्था परिवर्तन भी होगा, और चाहे 2024 तक सड़कों पर बैठना पड़े, आखिर में किसान जीतेंगे। इतना ही, फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।